नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त देव कुमार। आप देख रहे हो डी ब्लॉगर यूट्यूब चैनल। अगर इस चैनल पर पहली बार वीडियो देखो तो सामने रेड कलर का सब्सक्राइब दिख रहा है, उस पर क्लिक कर दीजिए और उसके बाद घंटी के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले ऐसे ही सेकंड बाइक की वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले और सबसे जल्दी पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो में, जिसमें इंट्रोड्यूस करता हूँ आपको एक और नए सेकेंड बाइक से या सेकेंड हैंड स्कूटर से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। तो दोस्तों, वीडियो ज्यादा लंबा नहीं बनाती हूँ मैं, पहले उस बाइक के स्कूटर के सिनेमैटिक शॉट दिखा देता हूँ, फिर उसका जल्दी से उसका टोटली अंडर रिव्यू कर लेते हैं। तो दोस्तों, पहले उस स्कूटर का सिनेमैटिक शॉट देख लीजिए, फिर उसका टोटली अंडर रिव्यू करते हैं। आउटडोर में वीडियो शूट कर रहा हूं और अभी मौसम खराब है तो हवा की आवाज भी आपको आ सकती है। तो दोस्तों, आप जल्दी से इसका कर लेते हैं अंडर रिव्यू, जल्दीबाजी में करें क्योंकि मौसम खराब हो रहा है और वीडियो शूट कर रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इसके ब्रांड की और ईयर ऑफ मॉडल की। तो दोस्तों, आपको सबको पता ही है होंडा का एक्टिवा, और ईयर की बात करते हैं कौन से साल का मॉडल है। दोस्तों, ये सन 2011 का मॉडल है। दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी रजिस्ट्रेशन की, किस आरटीओ में रजिस्टर्ड है। तो दोस्तों, ये RJ14 राजस्थान जयपुर में रजिस्टर्ड है, और राज्य में मतलब राजस्थान में और कोई आल डिस्ट्रिक्ट के कोई बंदा इसको परचेस कर सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं किलोमीटर की, कितने किलोमीटर चला हुआ है। दोस्तों, 26,000 किलोमीटर चली हुई स्कूटी है, जो कि बिल्कुल जेन्युइन है, बिल्कुल ओरिजिनल है। ऐसा नहीं है कि मीटर को रीसेट या रिफ्रेश किया गया है। और दोस्तों, कंडीशन गुड वेल कंडीशन में है, ब्लैक कलर में है। कलर और बॉडी लाइन आपने सिनेमैटिक शॉट में देख लिया होगा। और दोस्तों, अब आगे बताऊंगा मैं आपको एड्रेस और जिनकी गाड़ी है उनके मोबाइल नंबर। अब मैं बताऊँ कहाँ के एड्रेस पे अवेलेबल। तो दोस्तों, अभी जयपुर सिटी के एड्रेस पे जयपुर में अवेलेबल है, तो आप कोई बंदा इसको परचेस कर सकता है। जयपुर के बंदों के लिए काफी इजीली हो जाएगी परचेस करना, क्योंकि आल राजस्थान में से कोई भी परचेस कर सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं जिनके पास है बाइक उन डीलर के कॉन्टेक्ट नंबर की। तो ऊपर इधर एक कॉन्टेक्ट नंबर चल रहा है, तो ये वही डीलर के कॉन्टेक्ट नंबर है। आपको डीलर से बात कीजिए, प्राइस वगैरह सारी देख लीजिए, फिर आप इसको परचेस कीजिए। दोस्तों, गुडविल कंडीशन में है, ऐसा नहीं है कि मीटर को रीसेट या रिफ्रेश नहीं है, बिल्कुल जेन्युइन ही यही है और सर्टिफाइड बाइक है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की बात। दोस्तों, इसकी प्राइस मात्र 28,000 रुपये है। आपने थंबनेल में एक चीज देखी होगी, वहां लिखा है 26,000। दोस्तों, 26,000 इसकी प्राइस नहीं है, 28,000 रुपये इसकी प्राइस है, 26,000 किलोमीटर है। दोस्तों, ये प्राइस नेगोशिएशन प्राइस है, प्राइस फिक्स नहीं है। एक बार डीलर से बात कीजिए, बाइक की टेस्ट ड्राइव कीजिए और 100% सर्टिफाई हुई है, और फिर प्राइस की बात कीजिए। ये प्राइस तो नेगोशिएशन प्राइस है, आपको थोड़ी ज्यादा लग रही होगी मॉडल के हिसाब से। दोस्तों, कभी भी मॉडल के पैसे नहीं लगते। तो कभी भी बाइक के मॉडल की प्राइस नहीं होती है, बाइक की कंडीशन के पैसे लगते हैं। तो दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ 28,000 रुपये जो इसकी नेगोशिएशन प्राइस है। आपको एक बात पहुंचाऊंगा मैं, अगर तब तक जब तक आप बाइक को खुद ना देख लो, टेस्ट ड्राइव ना कर लो, तब तक कभी भी किसी को भी एडवांस पेमेंट पे नहीं करना है, चाहे वो हमारे डीलर होने का वादा करे, चाहे आपको अन्य कुछ भी बोले। तो आपको कभी भी एडवांस पेमेंट पे नहीं करना है। आप हमारे माध्यम से अन्य किसी माध्यम से बाइक परचेस कर रहे हो, तो कोई बंदा आपको इंडियन आर्मी से बोले, कुछ भी बोले कि मैं फौजी हूँ वो हूँ, तो आपको कभी भी एडवांस पेमेंट नहीं करना है, चाहे वो हमारे डीलर का नाम ले, चाहे हमारा नाम ले, हमारे चैनल का नाम ले। आपको एडवांस पेमेंट नहीं देना है किसी को भी, जब तक आप 100% सर्टिफाई ना हो जाओ। तो दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। कैसा लगा वीडियो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करके मैं आपके लिए रोज एक ऐसे ही बाइक का वीडियो, स्कूटी का वीडियो, कार का वीडियो लाता रहूंगा अपने इस चैनल पर। चलिए दोस्तों, मिलता हूँ कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, सलामत रहे। जय हिंद, जय भारत।